कि दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फिबोना के रिट्रेसमेंट टूल को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस जहां पर आपको फिबोना के रिट्रेसमेंट टूल यूज करके ट्रेड आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं वो आपको बताया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिबोना के रिट्रेसमेंट टूल को किस तरह से प्लॉट किया जाता है, किस तरह से इसे यूज करना है एंड कौन से सेटिंग्स आपको चेंज करने हैं ट्रेडिंग व्यू में। इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पर फिबोनाकी रिट्रेसमेंट होता क्या है। ओके, सो अगर मैं फिबोनाकी रिट्रेसमेंट की बात करता हूं, ओके, सो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं, आपने देखा होगा मार्केट में, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। आपने देखा होगा मार्केट कभी भी वर्टिकली एकदम ऊपर नहीं जाता या फिर वर्टिकली कभी भी नीचे नहीं आता। हमेशा मार्केट एक ट्रेंड में मूव करता है। मार्केट में हमेशा आपको इस तरह के आपको ट्रेंड आपको देखने मिलेगा, एक अप मूव बनाएगा मार्केट, थोड़ा सा पर रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, देन फिर से एक बार अप मूव, रिट्रेसमेंट एंड अप मूव, एक बार बड़ा सा अप मूव, एक रिट्रेसमेंट, एक बड़ा सा अप मूव, रिट्रेसमेंट। सो इस तरह से मार्केट ऊपर की ओर जाता है। ओके, सो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट, सो आप देखिए यहां पर आपका अप मूव, यहां पर अप मूव, यहां पर ये आपका रिट्रेसमेंट हुआ जिसे हम पुल बैक भी कहते हैं। आपका अप मूव एंड दिस इज योर रिट्रेसमेंट। सो हर एक ट्रेंड में आपको स्विंग्स हाई देखने मिलेंगे। सो हमेशा मार्केट एक स्विंग पर बनाते हुए ट्रेड होता है, एक स्विंग, सेकेंड स्विंग एंड थर्ड स्विंग। ओके, सो अगर हम यहाँ पर बात करें स्विंग हाई की या फिर स्विंग लो की, सो आप देखिए दिस इज योर वन स्विंग, यहाँ पर स्विंग लो हो गया, ये आपका स्विंग हाई हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक और यहाँ पर स्विंग लो, यहां पर भी एक स्विंग लो है आपका एंड यहां पर स्विंग हाई एंड यहां पर भी स्विंग हाई। तो फिबोनाकी टूल को प्लॉट करने के लिए आप स्विंग लो एंड स्विंग लो से आप यहां पर प्लॉट करोगे स्विंग हाई तक। ओके, एंड इस तरह यहां पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आपको मिल जाते हैं फिबोनाकी रिट्रेसमेंट के। आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आपको मिलेंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आप यहाँ पर प्लॉट करोगे। सो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट आपको क्या बताता है? फिबोनाकी रिट्रेसमेंट आपको बताता है कि कितना अंदर तक आपका ये रिट्रेसमेंट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर शेयर प्राइस सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। यहाँ पर चांसेस होता है कि इस लेवल से मार्केट फिर से उठ सकता है, कितना अंदर तक यहाँ पर और यहाँ पर डाउनसाइड पुल बैक आपको देखने मिल सकता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट के हेल्प से। चलिए एग्जांपल के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे सारी चीजें वन बाय वन। नाउ सो मान लीजिए यहां पर एक अप ट्रेंड है, तो आपको यहां पर रिट्रेसमेंट टूल यहां पर यूज करना है। सो आप देखिए यहां पर मैंने रिट्रेसमेंट टूल यहां पर मैंने प्लॉट किया है। सो अब सेटिंग्स यहां पर कौन सी सेटिंग्स आपको यहां पर चेंज करनी है। सो सेटिंग्स में यहां पर जाइए, सेटिंग में जाने के बाद आप यहां पर देखोगे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिबोनाकी। सो सबसे पहले आपको जीरो एंड वन के बीच के जो लेवल्स है, जीरो सो वन से ज्यादा जो भी यहां पर लेवल्स है उन्हें यहां पर अनटिक करना है। सो 1.3.2.4 जो वन एंड वन के नीचे के लेवल को आप यहां पर रखना है, बाकी को आप अनटिक कर दीजिए। इसके बाद आप देखोगे वो यूज वन कलर। सो मेरा यहाँ पर थीम ब्लैक है, आपका अगर व्हाइट थीम है तो आप ब्लैक यूज कीजिए, मेरा यहाँ पर ब्लैक थीम है तो यहाँ पर मैं व्हाइट यूज कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर व्हाइट यूज किया है। नाउ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, खाली यहाँ पर लेवल की हमें जरूरत है। जितना क्लीन रखोगे अपने ट्रेडिंग और पर्टिकुलर सेटअप को उतना ही बेटर वे में आप मार्केट को इंटरप्रेट कर पाओगे। सो प्राइजेस को अनटिक कर दीजिए, लेवल्स नहीं हमें यहाँ परसेंटेज चाहिए। आप देखिए 100% 78 61 50 एंड 38 लेबल्स आप राइट साइड में यहां पर रखिए, सो दैट आप इजीली यहां पर पर्टिकुलर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि प्राइस कौन से लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो ये सभी सेटिंग्स में आपको चेंज करना है एंड आप यहां पर देख लीजिए सेम आपके भी सेटिंग्स में यही लेवल होने चाहिए, बाकी सभी लेवल को आप अनटिक कर दीजिए। ओके एंड ओके पर क्लिक कीजिए। सो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि किस तरह से मार्केट सेम, सो चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखेंगे, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे की भी चीजें। सो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है। आप यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है,
अब देखिए यहां से मार्केट ऊपर गया, एक साइडवेज में गया, एंड यहां से मार्केट फिर से उठना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में पर पुल बैक देखने मिला है। सो अगर सो मैं बोल सकते हैं आपका स्विंग लो है एंड ये आपका स्विंग हाई हुआ, यस। तो अब मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, आपको इस लो से लेकर इस हाई तक आपको यहां पर ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो आप देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको यहां पर बता देता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको बता देता है कि कितने लेवल पे, कौन से लेवल पे आपको रिट्रेसमेंट, कौन से लेवल के अंदर तक, सो कहां तक आपका प्राइस यहां पर अंदर तक जा सकता है आप यहां पर देख सकते हो। आपको क्लियर यहां पर आपको देखने मिल चुका है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हेल्प से। अब देखिए 50 लेवल पर परफेक्ट यहाँ पर सपोर्ट लिया है एंड 50 लेवल के बाद फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि कहां पर मुझे एंट्री करना है सो दैट मैं इस ट्रेंड को फिर से यहाँ पर कंटिन्यू कर सकूं, मैं इस ट्रेंड को यहाँ पर राइड कर सकूं। ओके सो आप देखिए इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल वर्क करते हैं। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे कैसे यहाँ पर लेवल वर्क कर जाते हैं। सो जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर की जो कम्युनिटीज होती है बहुत सारे, सभी कम्युनिटीज में यहाँ पर सभी, सो हर एक ट्रेडर फिबोनाची के बेसिस पे एक ना एक बार स्टॉक को देखता ही है। ओके सो सभी अगर फॉलो कर रहे हैं, सभी अगर यूज कर रहे हैं सेम टूल को, तो मार्केट भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा। अगर सभी लोग यहाँ पर 50 पे बाय करेंगे, सभी को लग रहा है कि 50 पे प्राइस आया तो यहाँ से उछाल आ सकता है, सो सभी अगर 50 पे बाय करें तो यस यहाँ से उछाल आना ही है क्योंकि सभी फॉलो कर रहे हैं। सो एक यहाँ पर साइकोलॉजी हम बोल सकते हैं, और एक यहाँ पर क्राउड मेंटेलिटी हम बोल सकते हैं, जिसके कारण कोई भी इंडिकेटर स्ट्रेटेजी वर्क करते हैं मार्केट में। ओके सो अब देखिए नाउ कौन से लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब देखोगे 23 लेवल्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, 23 लेवल आपको ज्यादा आपको देखने मिलेगा जब बहुत ही शार्प मूवमेंट आ रहा है मार्केट में। आप देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखोगे यहां पर देखिए, सो यहां पर देखो एक शार्प मूवमेंट आपको देखने मिला, ये आपका स्विंग लो है, ये आपका स्विंग हाई है। सो हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक यहां पर एक प्लॉट करेंगे फिबोनाची टूल को। सो स्विंग हाई से स्विंग लो तक आप यहां पर प्लॉट करोगे फिबोनाची टूल को। सो जब यहाँ पर इस तरह का शार्प मूवमेंट आपको देखने मिलता है, आप देखोगे कि मार्केट का जो रिट्रेसमेंट है 23 लेवल तक रहता है। सो आप देखिए यहाँ पर 23 लेवल पे सपोर्ट लिया, देन मार्केट यहाँ पर फिर से ऊपर नहीं जा पाया, फिर से ऊपर नहीं जा, फिर से यहाँ पर नीचे आया है। सो लेट सी यहाँ पर मार्केट साइडवेज में चला गया, मतलब ट्रेंड यहाँ पर साइडवेज में जा चुका है। ओके सो जब मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आता है तो आपको 23 लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए जरूर दिखेगा। मार्केट बहुत ही स्लोली यहां पर नीचे जा रहा है। सो चलिए यहां पर दूसरा स्टॉक लेते हैं, लेट्स टेक इट एज ए। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। मैं आपको यहां पर डाउन साइड के लिए बताना चाहूंगा, आप यहां पर देखो ये डाउन साइड में ये हाई है, यहां पर लो है। सो आप डाउन ट्रेंड के लिए हाई टू लो, डाउन ट्रेंड के लिए हाई टू लो आप प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर की साइड कितना जा सकता है, यहाँ पर पुल बैक रिट्रेसमेंट कितना होगा डाउन ट्रेंड में। ओके सो अब मैं यहां पर यूज करता हूं ये, तो अब देखिए यहां पर आपको 23 के लेवल पे एंड 38 के लेवल पे आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखेगा डाउन ट्रेंड के केस में। सो डाउन ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है, आप इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर रिट्रेसमेंट को ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक यहाँ पर स्विंग आपको बनते हुए दिख रहा है, स्विंग लो स्विंग हाई। सो देखिए 61.8 लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपका पर्टिकुलर ट्रेंड स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, मतलब शार्प मूवमेंट नहीं दे रहा बट स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, वो टाइम उस टाइम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो 68 के लेवल को। एंड आपको यहाँ पर सो कैसे पता करोगे कि आपका जो पर्टिकुलर फिबोनाची टूल आपने जो प्लॉट किया प्रॉपरली आपने प्लॉट किया है, हमेशा याद रखिए जो आपका स्विंग लो होगा वहां पर 100% होना चाहिए एंड स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पर 0% होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए, तो जब आपका पर्टिकुलर जो भी आपका ट्रेंड है, सो
इस ट्रेंड को आप देख सकते हो स्लोली, एक शार्प मूवमेंट नहीं है, एक यहाँ पर शार्प मूवमेंट आपको नहीं दिखने मिल रहा है, एक यहाँ पर स्लो मूवमेंट ऊपर जा रहा है, पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर आपका जो ट्रेंड है स्लोली यहाँ पर ऊपर जा रहा है। सो 68 लेवल इस तरह के स्टॉक के लिए 68 लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर स्टॉक अंदर की ओर आया, रिट्रेस किया एंड यहाँ पर 61 लेवल पे यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है एंड सपोर्ट लेते हुए ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हुआ। तो इस तरह से फिबोनाची लेवल वर्क करता है, देखिए कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर वर्क कर रहा है फिबोनाची लेवल। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आपको यूज करना है फिबोनाची लेवल किसी भी ट्रेंड के रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड सेटिंग्स का ध्यान रखिए, जो भी मैंने आपको सेटिंग्स बताया वो आपको सेटिंग यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा आप यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड कलरफुल बनाओगे तो जितना जितना यहाँ पर सिंपल होता है आपका सेटअप उतना ही ज्यादा बेहतर होता है, उतने ही ज्यादा बेटर वे में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा लेवल पे आपको रिट्रेसमेंट यहाँ पर फेस होते हुए मिल सकता है। नाउ 78 लेवल कौन से टाइप ऑफ स्टॉक्स के लिए यहाँ पर ज्यादा बेहतरीन होगा? सो जो भी स्टॉक्स यहाँ पर ज्यादा साइडवेज में होते हैं या फिर आपको अपसाइड बहुत ही शार्प अपसाइड एंड बहुत ही शार्प डाउनसाइड आपको मूवमेंट देखने मिलता है, सो इस तरह के स्टॉक के लिए आपको 78 लेवल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो आप देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, तो एक यहाँ पर शार्प एक यहाँ पर डाउनसाइड मूवमेंट आया। ओके, तो इस डाउनसाइड मूवमेंट के लिए आपको देखना है कि कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल फेस कर सकता है ये स्टॉक। तो ये आपका स्विंग हाई हो गया एंड आपका लो हो गया। ओके, तो डाउन ट्रेंड के लिए भी मैंने आपको बताया फर्स्ट हाफ स्विंग ऊपर से नीचे, क्योंकि नीचे की ओर मार्केट कैसे आता है ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे ड्रॉ करोगे एंड आप देखिए 50 लेवल पे यहाँ पर एक आपको रिजेक्शन फेस करते हुए दिख रहा है। अब आगे हम बढ़ेंगे, आप देखिए एक्चुअल में यहाँ पर डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये लेवल से स्टार्ट हुआ था, तो हम इसे यहां पर लिखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर एडजस्ट करके देखिए आपको कहां पर आपको प्रॉपर आपको पर्टिकुलर आपको एक आइडिया आएगा। हमेशा जहां से ट्रेंड स्टार्ट होता है, जहां से आपका स्विंग स्टार्ट हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके जहां तक आपका लो आपका खत्म हुआ है, जहां से आपको रिट्रेसमेंट पुल बैक आपको टर्न लेते हुए दिख रहा है मार्केट, उस लेवल तक आपको प्लॉट करना है ये पर्टिकुलर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप देखिए परफेक्ट 38 पे यहाँ पर एक रिजेक्शन फेस किया, देन 50 पे रिजेक्शन फेस किया एंड 78 पे रिजेक्शन फेस करके मार्केट नीचे गया। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था अगर जो शार्प बड़ा सा मूवमेंट आता है सो उसके लिए यहाँ पर 78 लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप देखिए यहां से सीधा 78 तक गया एंड यहाँ पर रिजेक्शन फेस करते हुए फिर से यहाँ पर डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा आपका पर डाउन मूवमेंट दिया है। सो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पर सभी लेवल्स के इंपॉर्टेंस भी बता दिए हैं कि कौन से लेवल कब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कब आपको यूज करना है। तो इस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट लेवल कहां पर आपको पुल बैक रिट्रेसमेंट कहां तक आपको दिखने मिल सकता है वो आप बहुत ही ज्यादा इजी वे में सिंपल वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो ये था आज के वीडियो के बारे में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप यहाँ पर और कौन से इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हो सिंपल तरीके से बहुत ही इजी वे में। हम आपके लिए और भी यहाँ पर वीडियोस लेके आएंगे एंड प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि किस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो, उन्हें भी बताइए। ओके, सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।